Hey dear friends, welcome back to my channel. तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर की एक ऐसी रेसिपी जो सबको बहुत पसंद आती है और इसकी खासियत है इसका एक यूनिक सा मसाला। तो इस रेसिपी का नाम है कढ़ाई पनीर। पनीर की फेमस रेसिपीज़ में से ये एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इसका टेस्ट एक अलग फ्लेवर होता है। तो चलिए देखते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई पनीर जो है वो घर पर हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा पहले चैनल को सब्सक्राइब और साथ में छोटे वाले बेल आइकन को भी दबाना होगा, जिससे कि आपको हमारे सारे अपडेट सारे वीडियोज़ मिलते रहें। तो बढ़ते हैं कढ़ाई पनीर की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम कढ़ाई मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें करना है लो फ्लेम पर एक पैन को गरम। जैसे ही पैन अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा हम यहाँ पर डाल देंगे साबुत धनिया। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच धनिया ली है, खड़ी धनिया एक्चुअल में ली है। इसी के साथ हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 काश्मीरी मिर्च आप डाल दें। मैं यहाँ पे सादी वाली मिर्ची ले रही हूँ लेकिन आप काश्मीरी मिर्ची डाल लें। इसी के साथ डाल देंगे 3 से 4 पीसेस लौंग के, 1 इलायची डाल दें यहाँ पर और एंड में यहाँ पे डाल दिए 5 से 6 दाने काली मिर्च के। अब इन सारी चीज़ों को जो है हमें ड्राई रोस्ट करना है लो फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मसालों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं सारे मसाले। तो जब इनमें से अच्छे से खुशबू आने लग जाए ना तो इनको टॉस कर ले आप हल्का सा और गैस को बंद करके मसालों को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए एक प्लेट में। और प्लेट में ट्रांसफ़र कर देने के बाद इसे हमें हल्का सा ठंडा होने देना है क्योंकि हम गरम गरम नहीं पीस सकते। तो ये देखिए ठंडा हो गया है, तो इसे हल्का दरदरा कुछ इस तरीके से आप पीस लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे हल्का सा दरदरा सा पीसा है। इससे क्या है ना कि इसकी जो फ्लेवर है ना वो जब भी हम पनीर की बाइट लेंगे तो मसालों का अपना फ्लेवर आएगा। तो मसाला हमारा कढ़ाई पनीर का तैयार है। अब एक पैन में हमको करना है 2 चम्मच तेल या घी गरम। जैसे ही घी अच्छे से गरम हो जाए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ते। इसी के साथ डाल देंगे 1 से 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे जीरा। अब इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 2 लाल मिर्च जिन्हें मैंने हल्का सा तोड़ लिया है। इनको अच्छे से आप भून लीजिए, इनका भूनना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप इन्हें अच्छे से भून लेंगे तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इस लहसुन अदरक के पेस्ट को आप तेल में अच्छे से मिला दीजिए जिससे इसका जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाए। बस अब इसे हल्का सा मिलाने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 1 प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को अच्छे से मिला लीजिए। तो अब प्याज को जल्दी से पकाने के यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच नमक। नमक डालने से है जो प्याज जो है वो जल्दी से कुक होने लगेंगे। तो प्याज को हमें पकाना नहीं है पूरी तरीके से, बस जैसे ही इनका कलर जो है वो हल्का सा बदल जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज कलर जो है बदल चुका है, तो इस स्टेज पर हम यहाँ पर डाल देंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच देगी मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो अब इनको भी आप अच्छे से मिला लीजिए और कुछ सेकेंड्स के लिए इनको आप अच्छे से भून लीजिए। तो ये देखिए प्याज के साथ जो है ये अच्छी तरीके से भून चुके हैं, अच्छा कलर आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। तो मैंने 2 टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था। अब इस टमाटर की प्यूरी को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए सबसे पहले। मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, लगभग 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। तो नमक डालकर आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि टमाटर की प्यूरी में जो है पानी बहुत ज़्यादा है, तो इसे हमें पकाना है, थिक करना है। तो इसको इसी तरीके से धीमी आंच पर यानी लो फ्लेम पर हम पकने देंगे धीरे धीरे। और जब तक यह पक रहा है हम दूसरी तरफ दूसरे फ्लेम पर हमारे पनीर और सब्जियों को हल्का सा सौते कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ दूसरे आंच पर आप रखिए एक पैन जिसमें आप 2 चम्मच बटर या घी गरम करिए। तो कढ़ाई पनीर में डालने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 प्याज जिसे बड़ा काट लिया है, 1 टमाटर और 1 शिमला मिर्च। सारी सब्जियों को मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है। तो तेल जब एकदम अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो सबसे पहले शिमला मिर्च और प्याज को डालकर आप इसे अच्छे से भून लीजिए। मतलब इनका कलर जो है ना वो चेंज हो जाना चाहिए, इन्हें पकाना नहीं है एकदम अच्छी तरीके से। तो बीच बीच में ये बिल्कुल आप याद रखें कि दूसरे तरफ आपने दूसरे गैस पर जो है टमाटर की प्यूरी को भी रखा है, तो इसे भी चलाते रहे, भूले ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च और प्याज जो है वो हल्के से पक चुके हैं, कलर चेंज हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे आप टमाटर
टमाटर डाल दें और इन्हें भी आप अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर इसी तरीके से टॉस करते हुए आप इसे पकाएं। मसले नहीं, भाजी को हमें बिल्कुल भी मैश नहीं करना है, टॉस करते रहे और इसी तरीके से पकाते रहे। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हमें इस बात का याद रखना है कि दूसरी तरफ टमाटर का जो मिक्सचर है वो भी पक रहा है, तो इसे भी आप बीच बीच में चलाते रहें। तो यहाँ पे हमारे टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज जो है वो पक चुके हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 150 ग्राम पनीर, जिसे मैंने क्यूब में कट कर लिया है। तो आप चाहे तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पैन में साइड में ही इसे रख कर हल्का सा शैलो फ्राई कर लूँगी। तो अब यहाँ पे हमें इसे बहुत सावधानी से पकाना होगा। अगर आप इसे चम्मच से ज़ोर ज़ोर से चलाएंगे तो पनीर जो है उसकी भुर्जी बन जाएगी, यानी मैश हो जाएंगे। तो सावधानी से अच्छी तरीके से इसे टॉस करते जाए आप। इतनी देर में हमारे टमाटर का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से पक चुका है, तो गैस को बंद कर दें। पनीर और सारी चीज़ें पक चुकी हैं, टॉस हो चुकी है, तो अभी हमें पे जो कढ़ाई मसाला बनाया था वो 1.5 चम्मच डाल के अब उसे अच्छे से सब्जियों में और पनीर में जो है कोट होने दे, अच्छे से जो है उसे मिक्स कर लें। लेकिन याद रहे कि हमें सब्जियों का कचुमर नहीं बनाना है, उसे मैश नहीं करना है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो जो हमने टमाटर का जो मिक्सचर कुक करके रखा हुआ है उसे आप सब्जियों में और पनीर में मिला लें और धीरे धीरे सावधानी से टॉस करते हुए सारी चीज़ों को टमाटर के मिक्सचर के साथ जो है वो अच्छे से मिला लें। सावधानी से साइड से साइड से अगर आप मिलाते जाएंगे तो आपके पनीर जो है वो टूटेंगे नहीं और मसालों की बहुत ही अच्छी कोटिंग हो जाएगी सब्जियों और पनीर के ऊपर। कढ़ाई पनीर में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो मसाले जो हमने डाले हैं वो अच्छी तरीके से कोट हो जाए। इसी तरीके से 5 मिनट तक आप इसे लो फ्लेम पर पकाते रहिए और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत ही स्वादिष्ट सी जो खुशबू है, खुशबू ही इतनी ज़्यादा अच्छी आएगी कि आपका मन करेगा कि बस अभी खा ले। तो हमारा कढ़ाई पनीर तैयार है। गार्निश करें इसे बारीक कटे हुए धनिए से, और रेस्टोरेंट स्टाइल कहिए या ढाबा स्टाइल कहिए, आपके घर पे ही मज़ेदार कढ़ाई पनीर जो है वो तैयार है। तो इसे सर्व करिए गर्मा गर्म अपनी फैमिली के लिए। रोटी, पराठे, पूरीज के साथ आप इसे करिए इंजॉय। अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप सच में ढाबे या रेस्टोरेंट कहीं की भी कढ़ाई पनीर को जो है ना भूल जाएंगे। इसमें एक अलग सा ऑथेंटिक सा टेस्ट आता है, सारे मसालों का, सब्जियों का एक फ्लेवर आता है और बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही झटपट तरीके से हम बना लेते हैं कढ़ाई पनीर। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thanks for watching.